हेलो व्यूवर्स, आपने हमारे माइक्रोवेव के डेमोंस्ट्रेटिंग वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड्स पे आपको वीडियो का लिंक नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए और माइक्रोवेव से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं, वो भी एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल के थ्रू। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि एक रिक्वेस्ट वीडियो है, कि आप किस तरह से माइक्रोवेव को प्रीहीट कर सकते हैं कुछ भी बेक करने से पहले। और हाँ, सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है आपकी हमारी, तो माइक्रोवेव को सिक्योरिटी कैसे यूज़ करें ये भी हम आपको बताएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जुड़े रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक के बटन को प्यार से तोड़ मरोड़ करके लाल कर दीजिए। लेट्स इसी का एक काम और है बेकिंग का, जैसे आप बोल रहे हैं केक बनाना, बिस्किट बनाना, आप मान लिया केक का मटेरियल तैयार करके रखे हैं, तो सबसे पहले इसको प्री हीट करना पड़ेगा। प्री हीट बोलता है, आप यूट्यूब से देख के बना रहे हैं चाहे बुक से देख के बना, देखिए उसमें बोलेगा कि 180 पे प्री हीट करें, 190 पे प्री हीट करें। तो जैसे इसको 1-2-3 बार प्रेस किए, देखिए 180 ऑलरेडी आ गया। अगर हमको डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो नोब को घुमाएंगे, ये डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगर 180 पे ही बोलता है तो 180 ही सेट करिए, सिलेक्ट करिए। इसमें टाइमिंग नहीं डालना है, बिना टाइमिंग डाले हुए स्टार्ट जैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री आपका अभी ओवन गर्म है, आप सिलेक्ट कितना किए हैं 180, वो 10 मिनट के अंदर 180 डिग्री यहाँ पे आपको शो करेगा और एक बीप का साउंड स्टार्ट हो जाएगा, टी 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 इस तरह से साउंड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका ये प्री हीट हो गया है। अब आप जो बेकिंग के लिए बना के रखे हैं मटेरियल उसको अंदर डालेंगे, मान लीजिए जो भी बना कर रखे हैं तो उसको अंदर डालेंगे, बंद करेंगे, उसके बाद टाइम देंगे कितना, 30 मिनट। 30 मिनट आप टाइमिंग देंगे किसी भी चीज को बेकिंग करने के लिए, वो 30 मिनट के अंदर में बेक हो जाएगा। 30 मिनट देकर आप जब स्टार्ट कर दिए वो चलता रहेगा अपना बेक, धीरे धीरे करता रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट हो गया, थोड़ा सा खोलिए चेक कर लीजिए। मगर उस समय में आपको सेफ्टी पर्पस के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल एकदम करेंगे नेसेसरी, क्योंकि बॉडी गर्म रहेगा, अगर गलती से आपका ये हाथ बॉडी में सट गया तो हाथ जल सकता है, क्योंकि इधर का तो सेंसिटिव होता है ना, इधर का थोड़ा बर्दाश्त कर लेगा, इधर का नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा चीज है कि अगर अर्थिंग सही नहीं है, जैसे देखिए आपका इसमें अर्थ नहीं दिया हुआ, दोहिता है ना, अर्थ नहीं दिया हुआ रहेगा तो झनझनाएगा भी थोड़ा, तो वो ग्लव्स जब इस्तेमाल करेंगे आप दोनों चीज से सेफ रहेंगे, ठीक है।